Good morning students, I am Anurag Maur from Anu Educational Video Channel. पिछले वीडियो में हम लोगों ने पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट किया है. इस वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे. पहचान: ऐसे वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, या था, ई थी, ए थे, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं. और पिछले हम लोग जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी हम लोग पहचान देते थे, तो यही पहचान थी, लगभग यही पहचान थी. तो इसको हम लोग देखेंगे कि उसमें और उसमें क्या अंतर है. यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, अब पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम लोग कैसे करते हैं. पहला है, इस टेंस का प्रयोग प्रायः ऐसी दशा में होता है जबकि भूतकाल में दो कामों का वर्णन हो, जिनमें से एक काम दूसरे काम से पहले समाप्त हो जाता है, किंतु दोनों कार्य भूतकाल में ही समाप्त होते हैं. जो काम पहले समाप्त होता है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग होता है, और जो काम बाद में समाप्त होता है उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया का प्रयोग होता है. जैसे एग्जाम्पल देखिए, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो इस वाक्य में दो काम हो रहे हैं और दोनों भूतकाल में हो रहा है. रोगी का मरना और डॉक्टर का आना, दो काम हो रहे हैं इसमें. और इसमें जो है, जब डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो पहला काम कौन सा हुआ? रोगी के मरने का काम हुआ, रोगी पहले मरा. इसमें देखिए, रोगी के मरने का काम पहले हुआ, इसलिए इसके साथ क्या लगाएंगे हम लोग? पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया इसमें लगेगी. और डॉक्टर जो है बाद में आया, तो इसमें जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगेगा. देखिए, डॉक्टर के आने का काम बाद में हुआ, इसलिए इसके साथ जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया लगेगी. अब इसका अनुवाद हम लोग ऐसे बनाएंगे, द पेशेंट हैड डाइड. चूंकि रोगी पहले मरा, तो रोगी मर चुका था, इसकी अंग्रेजी पहले बनेगी, तो रोगी का हो जाएगा द पेशेंट. और पास्ट परफेक्ट टेंस में होता हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो द पेशेंट हैड डाइड. इसके बाद पहले की अंग्रेजी होगी बिफोर, फिर डॉक्टर आया, तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगेगा. तो द डॉक्टर केम, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, तो कम केम, केम सेकंड फॉर्म हो जाएगा. तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम. और साधारण दूसरा है, साधारण वाक्यों में भी इस टेंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन केवल उसी दशा में करते हैं जब उस वाक्य में बिफोर आए या ऑलरेडी आए, इन सब का प्रयोग अगर होगा तभी जो है साधारण वाक्यों में, सिंपल सेंटेंसेस में भी इनका प्रयोग करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे. तो जैसे, वह इन खिलौनों से पहले ही खेल चुका था, तो पहले ही आया है, पहले ही, यानी भूतकाल में भी और पहले. वह इन खिलौनों से पहले ही खेल चुका था, तो इसमें हो जाएगा ही, वह की अंग्रेजी ही होगी, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस
वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो ही हैड, और पहले ही की अंग्रेजी ऑलरेडी हो जाएगी, तो ही हैड ऑलरेडी प्लेड, चूंकि प्ले प्लेड प्लेड, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगी, तो ही हैड ऑलरेडी प्लेड विद दीज ट्वाइज। अब कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे इसी का। मैं इस खेल को पहले ही देख चुका था, तो मैं की अंग्रेजी आई हो जाएगी और पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के बाद हैड लगता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कोई टाइम एक्सप्रेशन, कोई टाइम शो करने वाला वर्ड हो तो आई हैड, देखना की अंग्रेजी सी होती है, तो सी सा सीन, तो आई हैड सीन दिस गेम, पहले ही का यहाँ बिफोर हो जाएगा, तो आई हैड सीन दिस गेम बिफोर। दूसरा है उसने आज़ादी से पहले ही भारत छोड़ दिया था, तो पहले ही आया है, इसलिए दिया था है और पहले भी है, पहले ही बीच में आया है, तो इसकी अंग्रेजी पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगी, तो उसने की अंग्रेजी ही हो जाएगी। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो लिव लेफ्ट लेफ्ट थर्ड फॉर्म हो जाएगा, तो ही हैड लेफ्ट इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी से पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस। अब हम लोग देखते हैं कुछ और, तीसरा रूल कि किन सेंटेंसों में हम पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। ऐसे कार्य या घटना को व्यक्त करने के लिए जो भूतकाल में किसी समय समाप्त हुआ हो, जैसे पहला है एग्जांपल, शाम तक हम लोगों ने काफी काम पूरा कर लिया था। अब जैसे हम लोगों ने काफी काम पूरा कर लिया था, अब इसमें जुड़ गया है शाम तक, समय दे दिया गया, भूतकाल में है ये, और इसमें समय भी दे दिया गया है कि समय तक समाप्त हुआ है, तब यहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। बाई इवनिंग, शाम तक की बाई इवनिंग, हम लोगों का वी हो जाएगा, फिर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो इसमें हो जाएगा बाई इवनिंग वी हैड, काम पूरा करना का होता है फिनिश, फिनिश का थर्ड फॉर्म हो जाएगा फिनिश्ड, तो बाई इवनिंग वी हैड फिनिश्ड मच ऑफ वर्क। दूसरा एग्जाम्पल है, 9 बजे सभी सदस्य आ चुके थे, तो सभी सदस्य आ चुके थे, अब इसके साथ जुड़ गया है 9 बजे तक, तो ये एक भूतकाल में ही लेकिन किसी समय समाप्त हुआ, इस समय समाप्त हुआ, इसलिए इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। एट 9 o'clock ऑल द मेंबर्स हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, आना का कम केम कम, तो एट 9 o'clock ऑल द मेंबर्स हैड कम। अब हम लोग इन उदाहरणों को देखेंगे, इसमें हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आ था लगा हुआ है या था लगा हुआ है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेगा, इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं बनाएंगे। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा था, लॉर्ड बुद्धा सेड, इसमें हैड सेड नहीं लगेगा, अगर पहले ही होगा, लॉर्ड भगवान बुद्ध ने पहले ही कहा था, तब इसमें लॉर्ड बुद्धा हैड ऑलरेडी सेड ऐसे बनेगा। दूसरा एग्जांपल है, उदयगिरी नामक हाथी पागल हो गया था, तो द एलिफेंट नेम्ड उदयगिरी वेंट मैड, इसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगी है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये बनेगा। तीसरा है, वह निःसंतान मर गया था,
गया था लगा है, फिर भी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं बनेगा। तो वह की अंग्रेजी ही हो जाएगी और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी डाइड इश्यूलेस, ही डाइड इश्यूलेस। अब हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। जब भूतकाल में दो कामों का वर्णन हो जिनमें से एक काम दूसरे काम से पहले समाप्त हो जाता है, तब उसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में जब ही सी इट आई वी दे यू सिंगुलर नाउन तथा प्लूरल नाउन रहेगा, तो मतलब आल सब्जेक्ट के साथ, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हैड लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और फिर बिफोर लगेगा, फिर सब्जेक्ट ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन और यू वी दे आई तथा प्लूरल नाउन, फिर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। कहने का मतलब है जिसमें पहले लगा हो बिफोर, तो बिफोर वाले सेंटेंस में पहले हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस लिखेंगे और बिफोर के बाद हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखेंगे। ये आगे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कि कैसे ये बनेगा। दूसरा है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन यू वी दे आई तथा प्लूरल नाउन, यानी आल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर आफ्टर, फिर सब्जेक्ट ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन यू वी दे आई तथा प्लूरल नाउन प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका मतलब ये आफ्टर वाले सेंटेंस में आफ्टर के पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा जाएगा और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस लिखा जाएगा। इसको हम लोग इस एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। तो सबसे पहले हमको इसमें खोजना है कि पहले कौन सा काम हुआ है। वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, तो हम घर पहुंच चुके थे ये काम पहले हुआ, तब जाकर के वर्षा हुई। तो जो काम पहले हुआ है उसी में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। तो हम घर पहुंच चुके थे ये पास्ट परफेक्ट टेंस से बनेगा। फिर इसके बाद बिफोर लगेगा, तो बिफोर वाले में हम लोग ऊपर देख चुके हैं कि बिफोर वाले में जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है वो पहले लिखा जाता है। ये यहाँ पे हिंदी में ये बाद में लिखा गया है, लेकिन इसकी अंग्रेजी पहले बनेगी, क्योंकि ऊपर स्ट्रक्चर में हम बता चुके हैं इसमें बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट टेंस लगता है और बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगता है। तो यहाँ पे हम घर पहुँच चुके थे इसकी अंग्रेजी पहले बनेगी, हम की अंग्रेजी होगी वी। और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो पहुँचना की अंग्रेजी रीच होती है, रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड और घर का होम, तो वी हैड रीच्ड होम। आप पहले की अंग्रेजी बिफोर, वर्षा होने से मतलब वर्षा हुई, तो इट ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, तो रेन रेंड रेंड, तो इट रेंड। बी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेंड। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सोने से पहले वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी। अब इसमें हमको खोजना है कि कौन सा काम सबसे पहले हुआ है, जो काम पहले होगा उसी में पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे और जो काम बाद में हुआ होगा उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे। सोने से पहले वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी।
तो किताब पढ़ने का काम पहले हुआ है, तो वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी, इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और पहले लगा हुआ है इसलिए बिफोर वाला ये वाक्य है। तो बिफोर के पहले हम लोग स्ट्रक्चर में देखे थे कि बिफोर के पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस लिखते हैं और बिफोर के बाद हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चूंकि हिंदी में ये बाद में लिखा हुआ है, पहले के बाद लिखा हुआ है, लेकिन अंग्रेजी में इसको पहले लिखा जाएगा तो वह की अंग्रेजी सी हो जाएगी, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो हो जाएगा सी हैड रीड हर बुक बिफोर, और बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। तो वह सोई तो सी स्लेप्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी स्लीप स्लेप्ट। तीसरा है घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच गया था। अब इसमें हमको खोजना है कि कौन काम पहले हुआ है, तो इसमें स्कूल पहुंचने का काम पहले हुआ है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और इसको सबसे पहले लिखेंगे तो मैं की अंग्रेजी आई हो जाएगी और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच्ड तो आई हैड रीच्ड स्कूल, और पहले की अंग्रेजी बिफोर होगी, और घंटी बजी इसमें जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे तो द बेल रिंग रैंग रंग, तो इसमें हो जाएगा आई हैड रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रैंग बिफोर रैंग। अब चौथा है अपना पाठ याद करने के पश्चात राम स्कूल चला गया था। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन सा काम पहले हुआ है, तो अपना पाठ याद करने के बाद, तो अपना पाठ याद करना ये काम पहले हुआ है, याद करने का काम पहले हुआ है। राम स्कूल चला गया था के बाद, पश्चात मतलब बाद चला गया था तो ये काम बाद में हुआ है। तो जो पहले काम हुआ है उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे, जो काम बाद में हुआ है उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे, लेकिन जो पश्चात या बाद वाले या आफ्टर वाले जो सेंटेंस होते हैं उसका स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ देख चुके हैं। आफ्टर वाले में पहले जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस लिखा जाएगा और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस लिखा जाएगा, तो इस हिसाब से हम लोग इसको बनाएंगे। इसमें राम स्कूल चला गया था अपना पाठ याद करने के बाद, तो अपना पाठ याद करना जो है पहले समाप्त हुआ है और राम स्कूल बाद में गया है तो इसको हम पहले लिखेंगे। राम स्कूल बाद में गया है इसलिए इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनाएंगे और इसको सबसे पहले लिखेंगे राम, और यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है तो राम वेंट टू स्कूल, पश्चात का हो जाएगा आफ्टर, और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस लिखा जाता है। तो चूंकि राम है तो वह अपना पाठ याद किया, तो ही और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो लर्न लर्नड लर्नड, तो ही हैड लर्नड हिज लेसन, मतलब राम वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड लर्नड हिज लेसन। पांचवा एग्जाम्पल है गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा। अब इसमें भी हम लोग देखेंगे कि कौन सा काम पहले हुआ है, गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा यानी गाड़ी पहले खुल गई तो गाड़ी पहले खुली है तो इसमें ये पास्ट
परफेक्ट टेंस इसमें लगेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस से बनेगा। और मैं स्टेशन पहुंचा ये बाद में हुआ है तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। चूंकि बाद वाले में या आफ्टर वाले में हम लोग स्ट्रक्चर में देखेंगे कि पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा जाएगा, इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस लिखा जाएगा। तो इसमें भी हम लोग यही करेंगे कि मैं स्टेशन पहुंचा बाद में, तो इसको हम पहले लिखेंगे और इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे। तो आई रीच्ड, चूंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, तो आई रीच्ड द स्टेशन आफ्टर, फिर इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ लिखा जाएगा। यानी गाड़ी खुली तो द ट्रेन, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो खुलना मतलब स्टार्ट होना, शुरू होना, तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड। तो बच्चों आज यहीं तक। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबाएं, जिससे कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।